नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा कन्वर्जन रैकेट पकड़ा। बड़ा कन्वर्जन रैकेट का मतलब है वो यूनिवर्सिटी स्तर पर इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जन करवा रहे थे। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नैनी में, इलाहाबाद में, मतलब बिल्कुल इलाहाबाद, हाईकोर्ट के गंगा जी पार करोगे तो दूसरी तरफ नैनी है। नैनी में एक यूनिवर्सिटी खोल कर रखी और वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्जन चल रहा था। पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला ने कंप्लेंट फाइल करी और उसने कहा कि मेरे को कन्वर्ट किया जा रहा था, मेरे ऊपर दबाव है कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट हो जाओ। मुझे जॉब दिया गया, जॉब और कुछ कपड़े दिए गए, कुछ खाने पीने की जुगाड़ की गई, कुछ रहने का स्थान दिया गया और उस स्थान पर करते करते फिर मेरे ऊपर दबाव बनाना, उस महिला का कहना है कि उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और वो दबाव ये बनाना शुरू किया कि और महिलाओं को लाओ, कन्वर्ट करवाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। वो महिला का कहना है कि जब वो उस शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, खुद तो कन्वर्ट शायद हो गई या नहीं हो गई, वो उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, ना ही कन्वर्ट हो पाई, ना ही कन्वर्जन करवा पाई, लोगों को ला भी नहीं पाई और महिलाओं को कन्वर्ट करवा भी नहीं पाई, तो उसको जॉब से निकाल दिया गया। उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया और जब जब उसको जॉब दी गई थी तब भी उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था कन्वर्जन के नाम से। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो कन्वर्ट कराने में शामिल था, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार कन्वर्ट करवाने में शामिल था और यूनिवर्सिटी, अब चूंकि वो माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब उसमें कन्वर्जन का खेल चलता था। जब मुकदमा हो गया, मुकदमे में जब पकड़ने की बात हो गई और FIR दर्ज हो गई तो श्रीमान जी, मतलब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, वो पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो क्लेम करता है और वो कहता है कि चूंकि महिला को जॉब से हमने निकाल दिया था, अब चूंकि महिला को हमने जॉब से निकाल दिया था इसलिए उस महिला ने ऐसे रॉन्ग एलिगेशंस लगाए। ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और ऑनरेबल जस्टिस इदरीसी की अदालत में मामला गया। अजहर हुसैन इदरीसी की अदालत में मामला गया, इंतरिम रिलीफ मांगी गई। अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने इंतरिम रिलीफ देने से मना कर दिया। उसने साफ तौर पर, कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ना भगवान के नाम से, ना सत्य के नाम से, ना चर्च के नाम से, ना मंदिर के नाम, ना मस्जिद के नाम से, ना मंदिर के नाम से और ना ही किसी अन्य तरह की मैल प्रैक्टिसेस नहीं और ना ही किसी अन्य रिलीजियस नाम से मैल प्रैक्टिसेस यूनिवर्सिटी के अंदर करने नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी अगर इस तरह के कृत्यों में शामिल है तो उसका पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर आना चाहिए। अब अगर किसी ने FIR की है और उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे दूध पानी निकल कर आएगा, कैसे सत्यता पता लगेगी? इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया, क्योंकि ये FIR नवंबर 2023 की है और नवंबर 2023 की अदालत के, मतलब FIR पर अदालत में पहुंचा गया, तो अदालत ने ये आदेश दिया और अदालत ने कहा कि आप फला फला दिसंबर की फला फला तारीख तक आप पुलिस के सामने प्रेजेंट होएं और अपने अपना स्टेटमेंट दें। श्रीमान जी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम रिलीफ देते हुए अरेस्ट स्टे दे दिया। अरेस्ट स्टे हम उसको कहते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं। इंतरिम जमानत हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में थी नहीं। इंतरिम जमानत योगी जी के आने के बाद दी गई। इंतरिम जमानत से मतलब है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल पहले उत्तर प्रदेश में नहीं थी। योगी जी के आने के बाद एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने शुरू की। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि गिरफ्तारी से पहले, संभावनाओं के आधार पर गिरफ्तारी से पहले उनको प्रोडक्शन देना, यानी कि उनको बेल देना और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट बन जाए, चार्जशीट में दोषी पाए जाएँ तो ही गिरफ्तारी हो। इंतरिम बेल से पहले, इंतरिम बेल बार बार निकल रहा है, अग्रिम जमानत से पहले, एंटीसिपेटरी बेल से पहले उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट वो दिया करता था प्रोटेक्शन
अरेस्ट स्टे, पहले अरेस्ट स्टे दिए गए, बाद में अरेस्ट स्टे सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ चार्जशीट ऐसा दिया जाने लगा। यानी कि आपको पुलिस, अगर आप ये कहते हैं कोर्ट के सामने कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पुलिस जाति कर रही है, पुलिस गलत तरीके से हमारे साथ बिहेव कर सकती है और गलत फंसा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट इन मामलों में इंतरिम प्रोटेक्शन दे देता था और इंतरिम प्रोटेक्शन के रूप में वो अरेस्ट स्टे ग्रांट कर देते थे, लेकिन बीच साथ में लिखते थे अरेस्ट स्टे अप टू फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर चार्जशीट में नाम आए तो फिर अरेस्ट वैकेट हो जाएगा, और अगर चार्जशीट में नाम नहीं पाया जाता तो अरेस्ट दिया गया तो आपको रिलीफ मिल जाती है। बाद में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल प्रावधान जो एंटिसिपेटरी बेल का है, जिसको रोक रखा था, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हो ही रहा था। इस्तेमाल कैसे हो रहा था? इस्तेमाल तो ऐसे ही हो रहा था कि अरेस्ट दिया जा रहा था, तो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान खोल दिया। एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान में ये रहता है कि संभावना है कि गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है, संभावना है कि मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई FIR दर्ज कर दी गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर जिला जज की अदालत में एंटिसिपेटरी बेल मांग सकते हैं। जिला जज की अदालत के अलावा एंटिसिपेटरी बेल सीधी हाई कोर्ट से मांग सकते हैं। अगर जिला जज ने एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस कर दी है तो 482 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुल मिलाकर कोर्ट उसमें अग्रिम जमानत ग्रांट कर देता है, और अग्रिम जमानत ग्रांट करने के बाद आप चार्जशीट लगा दीजिए तो रेगुलर जमानत, इस पर भेद है कि रेगुलर जमानत लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट रूलिंग्स हैं, लेकिन आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में प्रावधान है वो है कि एंटीसिपेटरी बेल अगर किसी को ग्रांट कर दी गई है और चार्जशीट सबमिट हो गई है, केस कमिट होने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको रेगुलर बेल मांगनी पड़ेगी। रेगुलर बेल अगर नहीं मांगते हैं तो एंटिसिपेटरी बेल एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। रेगुलर बेल के लिए जो चार्जशीट सबमिट की गई है उसका अवलोकन ऑनरेबल कोर्ट करेगा, और अगर उसको लगता है कि इनको परमानेंट बेल दे देनी चाहिए तो बेल ग्रांट करेगा, उसको लगता है कि बेल नहीं दे देनी चाहिए तो फिर वो उसको बेल डिसमिस हो ही रही थी, एंटीसिपेटरी बेल जेल भेज देगा। कुछ हाई कोर्टों का ऐसा भी मानना है कि एंटीसिपेटरी बेल लाइकली टू बी कंटिन्यूड अप टू द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि चार्जशीट सबमिट हो जाएगी, केस कमिट हो जाएगा, उस पर चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल रेगुलर बेल में कन्वर्ट हो जाएगी जब तक कि कोर्ट उस बेल को डिसमिस ना करे। खैर, इस मामले में ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब मना कर दिया और उनसे कहा कि आप पार्टिकुलर तारीख फिक्स कर दी, होता क्या है जनरली इन मामलों में कोर्ट अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन खारिज करते हुए टाइम दे देता है, कहता है 4 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर आप पुलिस के सामने प्रेजेंट होइए। कोर्ट ने भी ऐसा ही, कुछ नवंबर का केस था, कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कर दिया। अब इस मामले में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करने से मना कर दिया और डायरेक्शन दे दिया कि आप पार्टिकुलर इस इतने दिनों के अंदर पुलिस के सामने प्रेजेंट हों, क्योंकि कोर्ट ने ये माना था ये गंभीर मामला है, कुछ गिफ्ट देकर, कुछ क्लॉथ देकर, कुछ फिजिकल एमिनिटीज़ देकर या कुछ और देकर, कुछ लाभ देकर किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट करवाना ये तो सिन है, ये तो अपरिहार्य सिन है, सिन मतलब पाप है, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता क्योंकि एंटी कन्वर्जन लॉ भी उत्तर प्रदेश में लागू है, और ये इंस्टीट्यूशनल तरीके से अगर कोई करवा रहा है तो और ख़तरनाक बात है। इसलिए श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी, जिसके विषय में बात हो रही है, उस यूनिवर्सिटी में ये जो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था इसको रोकने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम पूरा बता दूँ ताकि आप लोग भी सावधान रहें, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको SHUATS कहते हैं, SHUATS, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इसमें इलीगल मास कन्वर्जन चल रहा था पढ़ाई के नाम से, एजुकेशन के नाम से। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट स्टे तो दे दिया, जो हाई कोर्ट जनरली देता था उसने अग्रिम जमानत दे दी, तो उन्होंने अरेस्ट दे दिया। अरेस्ट स्टे के बाद उसकी रेगुलर बेल की जो एंटीसिपेटरी बेल है उसकी जो अपील गई थी सरकार की तरफ से, उसकी सुनवाई लगा दी। सरकार का यहाँ पर कहना था, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो केस प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा 34,44,54,855, देखिए 34.5 करोड़ रुपया या 34,50,00,000 मान लीजिए, 34,50,00,000 रुपया इस यूनिवर्सिटी ने विदेशों से FCRA में लिया है, फॉरेन रेगुलेटरी जो
हमारे पास बॉडी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, जिसमें आपको याद होगा कि भारत में कन्वर्जन के लिए जो पैसा आता है, चाहे वो एनजीओस को आता हो, सोसाइटीज़ को आता हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस को आता हो, वो सब में होम मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि एफसीआरए कानून में ये संशोधन किया जाता है कि आपको दिल्ली में ही एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो भी स्टेट बैंक की किसी शाखा में खोलना पड़ेगा, फला फला शाखा में आपको खोलना पड़ेगा, जितना पैसा है सब उसमें आएगा, उसके बाद आपके लोकल अकाउंट में जाएगा ताकि गवर्नमेंट उसको सही से वॉच कर सके। दूसरी बात, एफसीआरए में ये भी था कि जितना पैसा आप ले चुके हैं उसका हिसाब आपको सबमिट करना पड़ेगा एफसीआरए के तहत, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ, क्यों आया, किस मद में आया, क्या, तो सब कुछ आपको हिसाब देना पड़ेगा ताकि ये पता लगे कि एंटी कन्वर्जन में वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में वो पैसा नहीं लग रहा है। एफसीआरए कानून के तहत हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि यूएसए से, अफगानिस्तान से, जापान से, लीबिया से, इराक, जर्मनी, कनाडा, गुआना, युगांडा, इथोपिया, बहरीन, नीदरलैंड, फिलीपींस, रुवांडा, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान और नाइजीरिया, इतने सारे कंट्रियों के नाम उन्होंने बताए कि इन देशों से इस यूनिवर्सिटी को एफसीआरए के तहत पैसा आता है और इसके पास कोई हिसाब किताब नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, इनको जब हम इन्वेस्टिगेशन करने में सफल होंगे इनको उठाकर लाएंगे, इनसे पूछताछ करेंगे, तभी तो भाई हम पता कर पाएंगे ये पैसा 34 करोड़ 55 50 लाख रुपया 45 लाख रुपया कहाँ गया। और लड़की की कंप्लेंट है, लड़की ये कह ही रही है कि मेरे ऊपर कन्वर्जन का दबाव है, मेरे को कन्वर्ट किया जा रहा है, मेरे को कन्वर्जन के लिए लड़कियां लाने के लिए कहा जा रहा है और लोगों को जॉब दिया जाए, जॉब के माध्यम से कन्वर्जन किया जाए, और उधर एफसीआरए के कानून के तहत 35 करोड़ रुपए का मामला, 34.5 करोड़ रुपए का मामला आ ही गया है तो इन्वेस्टिगेशन तो बनता है। और एफसीआरए कानून के तहत कोई एक कंट्री से पैसा नहीं आया, बहुत सारे कंट्रियों से पैसा आया, अफगानिस्तान जैसे देश से पैसा मंगाने का क्या मतलब है, आप सोच के देखिए कि युगांडा या रवांडा से पैसा मंगाने का क्या औचित्य क्या है, नाइजीरिया से पैसा मंगाने का औचित्य क्या, ये डिफरेंट रूट से पैसा हिंदुस्तान में आया ताकि भारत सरकार उस पर वॉच ना कर सके, दिमाग में लगा सके, ऐसा ना कह सके कि नहीं एक रूट से आ रहा है, एक जगह से पैसा आ रहा है तो फिर ये इलीगल के लिए आ रहा है, इसलिए 10-12-15 कंट्रियों से ये पैसा आए ताकि भारत सरकार ये सोचे कोई दानदाता दान कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं चोर की दाढ़ी कितने दिन तक साफ रह सकती है, आप जानते हैं कि गुनाहगार कितने दूर तक भाग सकता है, कभी ना कभी तो फंसेगा। इस महिला का जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को जो दिखाई दिया या जो पुलिस जिस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, वो एक ख़तरनाक बात है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला चीफ जस्टिस आगे के बन सकते हैं, बनेंगे ऐसा कहना ठीक नहीं है, बन सकते हैं इसलिए हैं क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला लाइन पर हैं और लंबे समय तक रहेंगे। ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला के एक बार फिर बीच में विवादित हो गए थे, आपको याद होगा कि भाजपा की एक प्रवक्ता ने कोई स्टेटमेंट दे दिया था और वो स्टेटमेंट कहीं खाड़ी के कंट्रियों में कतर वगैरह से उसका उल्टा हो गया था, उस बात को लेकर बंगाल और कई स्टेटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर उस स्टेटमेंट के लिए मुकदमा हो गया था, एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सफ़ेद घोड़े से लोग जाएंगे, चपटी धरती आप कहते हो और पता नहीं क्या क्या, कि ये क्या सत्यता है, अगर वो उन्होंने ये कहा था कि अगर इस पर मैं स्टेटमेंट दे दूँ तो आपको अच्छा लगेगा, आप क्यों हमारे आराध्यों के विषय में उल्टा सीधा बोलते हो। उसके बाद सरतन से जुदा शुरू हो गया था, देश भर में हंगामा हुआ था, कन्हैयालाल जैसे लोगों की हत्या कर दी गई। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ये कहने के लिए कि सभी जितनी एफआईआर हुई हैं उनको एक जगह संग्रहित कर दिया जाए, दिल्ली में मंगा लिया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी जाए, क्योंकि एक ही विषय की कई एफआईआर हैं, कई स्टेटों में हैं, इसमें हमारी जान माल को खतरा है, इसलिए इन पर इन्वेस्टिगेशन करने को मैं मना नहीं कर रही, मतलब वो मना नहीं कर रही, उनका मतलब ये भी नहीं है कि इस पर सत्यता नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई एक राज्यों में जो एफआईआर हैं उसका नतीजा निकलेगा कि उन राज्यों में बार बार जाना पड़ेगा और प्रताड़ित हो सकते हैं, इसलिए उन एफआईआर को एक जगह कर दिए गए। उस मामले में ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने जो स्टेटमेंट दे दिया, ऑनरेबल उस समय की जो बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला, जहाँ तक मुझे याद है, अगर नहीं हो तो आप लोग करेक्ट करेंगे, उसमें उन्होंने उनसे कहा था कि देश भर में आग लगाने के बाद अब तुम हमसे रिलीफ मांगने आई हो, ये ठीक नहीं है, हाईकोर्ट जाइए,
अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह भी देता है कि हाई कोर्ट जाइए, हालांकि उसी बेंच ने बाद में उनकी जो FIR उनके खिलाफ थी उनको एक जगह कर दिया था, उनको एक जगह वारंट कर दिया था। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला आगे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं देश, उनकी अदालत में ये मामला गया। ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने इस मामले में अग्रिम जमानत केवल स्टे जो पहले से था ही अरेस्ट पर, और अरेस्ट स्टे के साथ साथ अग्रिम जमानत भी ग्रांट कर दी है। हालांकि विषय बड़ा है, देश भर में कई एक मीडिया हाउसेस, कई न्यूज़पेपर्स ने इसको इंडोर्स किया है कि भाई ये जो मामला है ये 2005 से लेकर और अभी तक 35.5 करोड़ रुपया बाहर से आया है, वो मामला है एंटी कन्वर्जन की जो मुहिम चल रही है योगी जी की सरकार की, जिसमें उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास करके रखा है, और योगी जी की सरकार के दौरान किसी भी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जा सकता, या फिर यूं कहें कि किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का सामना करना ही पड़ेगा, और अगर वो दोषी है तो उसको अदालत भी फेस करनी पड़ेगी और उसको मुकदमा फेस करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इंतरिम जमानत हो जाना और इंतरिम एंटिसिपेटरी बेल हो जाना, ये एक बड़ी न्यूज़ का विषय बना था, जिसको मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस मामले को क्यों मीडिया उठा रही है और क्यों तूल पकड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।